हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। गाइस, आज हम झटपट से बनाने वाले हैं आलू तहरी। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। मैंने एक कुकर को रख लिया है और उसमें मैंने 100 ग्राम ऑयल ले लिया है और ऑयल देखिए अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3 साबित मिर्च, मैंने लाल ये कट कर ली है, ये चीज़ें लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है और ये हमारी देखिए फ्राई भी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी। अब एक बाउल ले लिया है मैंने पानी, ये मैं इसी के अंदर ऐड करूंगी। पानी हमने ऐड कर दिया है, अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 1 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक उबाल लगा लेंगे। जब तक हमारा उबाल नहीं आता हम इसको ऐसे ही ढककर रख देंगे। देखिए उबाल आ गया है। अब मैंने कट कर लिए हैं 1/2 kg आलू और इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इसको। आलू हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और यहाँ मैंने ले लिए हैं 1/2 kg चावल। इसको मैंने भिगा दिया था 1/2 घंटे के लिए और वॉश भी कर लिए हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल हमने ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और इसमें 1 सीटी लगा लेंगे। सीटी आ गई है। अब कुकर को हम खोल लेते हैं। देखिए चावल हमारे बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और खीरे को उसके साथ सर्व किया है और यहाँ हमने लिया है धनिया की चटनी को। गाइस, आप इसको अपने बच्चे के लंच में भी भेज सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट में झटपट तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।